और चलिए बात करेंगे बिजनौर की। आपको क्या पर बिजनौर के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व रेंज में बताया जा रहा है कि हाथी का यहाँ पर शव मिला है, और वन विभाग में हाथी का शव मिलने से बताया जा रहा है कि हड़कंप मचा हुआ है, और साथ ही अधिकारियों ने घटनास्थल का भी निरीक्षण किया है। दरअसल आपको बता दें कि जनपद बिजनौर की अमानगढ़ टाइगर रिजर्व रेंज के यहाँ पर मकोनिया बीट के बताया जा रहा है कि कंपार्टमेंट 18 में वन कर्मियों को यहाँ पर गश्त के दौरान एक हाथी का शव मिला है। वहीं हाथी का यहाँ पर शव पड़ा मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। गश्ती दल की तरफ से मामले की सूचना रेंज अधिकारी को दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे रेंज अधिकारी राकेश कुमार शर्मा और साथ ही अनिल कुमार पटेल DFO ने यहाँ पर घटनास्थल का निरीक्षण किया, और घटना की सूचना विभागीय उच्च अधिकारियों को भी दी गई। DFO अनिल कुमार पटेल ने बताया, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में रेंज में यहाँ पर वन कर्मी गश्त जो है कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पर इस हाथी के शव को पड़ा हुआ देखा और इसकी घटना की जानकारी दी। वैसे बताएं थोड़ा, ये मकोनिया बीट है। सुबह 8 बजे हमको खबर मिली है कि एक हाथी का जो डेथ हो गया है, और ये हाथी वही है जो पिछले 7-8 दिनों से बंधे के पास में देखा जा रहा था। चलने में इसको काफ़ी दिक्कत हो रही थी, और ये काफ़ी कमज़ोर कमज़ोर भी हो गया है, और इसके कान के पीछे जो है चोट लगा हुआ है। संभवतः ये आपस में जो एनिमल फाइटिंग होती है उसमें लड़े होंगे, और फिर ये जख्म जो है पुराना होने के कारण सेप्टिसीमिया मतलब हो सकता है, जिसकी वजह से डेथ हुआ है। बाकी जो PM करने के लिए डॉक्टर पैनल बनाया गया है वो लोग अपना रिपोर्ट देंगे, और जो सैंपल आएगा दिया भेजा जाएगा, और जो काज ऑफ डेथ होगा उसके बाद जो है अवगत कराया जाएगा आप लोग।